उज्जैन में रविवार तड़के खाराकुआ थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 दमकलों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। नई सड़क स्थित बिजली कंपनी के ऑफिस के बगल में सुबह 5 बजे इलेक्ट्रिक की 3 दुकानों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दुकानों का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके चलते दुकानों के अंदर आग ने विकराल रूप ले लिया था। आसपास का इलाका पूरी तरह से धुएं से भर गया था। बिजली के उपकरणों में लगी आग से निकल रहे धुएं से वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते जेसीबी से दुकानों का दरवाजा खिंचवाया गया। आग की भयावहता देख 4 दमकल मौके पर भेजे गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। मैं 4 बजे फ़ोन आया था कि आपकी दुकान में आग लग गई। मैं आया जब तक बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी, कम से कम 5-6 गाड़ियाँ लग गई फायर ब्रिगेड की बुझाने के लिए। पुलिस फोर्स आ गई थी और कम से कम 25 लाख रुपये का मेरा नुकसान है। मैं रोजी रोटी यहीं से थी, अब बेरोजगार हो गया पूरे। और आसपास में भी कोई नुकसान हुआ है? हाँ, एक दुकान हुई जल्दी है मधु इलेक्ट्रिक की, उनका 4-5 लाख रुपये का जितना नुकसान। मेरी दुकान मधु इलेक्ट्रिक है, अशोक आहूजा नाम है मेरा, और 3-4 लाख का मेरा तो नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से बोल रहे हैं, आग लगी है। मैं फ़ोन आया था घर पे, आए तो जब तक तो आग लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड वाले भी आराम से काम कर रहे थे। फायर ब्रिगेड वालों को पानी नहीं था, पानी नहीं है, पानी नहीं है, जब तक तो आग बढ़ गई।